ज्यादातर इलाकों में लगभग 10 मीटर के आसपास बनी हुई है। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी जीरो नजर आ रही है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आज जब हम भी घरों से दफ्तर के लिए निकले हैं तो हमें भी आने में दफ्तर पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लग गया क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। घने कोहरे की चादर हर तरफ नजर आ रही है। पंजाब के कई जिलों में विजिबिलिटी जीरो है। वहीं नोएडा दिल्ली में भी सुबह घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी 50 मीटर के करीब रही। कोहरे के चलते 400 ट्रेनें लेट हुई हैं, कई ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ी है, यानी जो आवाजाही है उस पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां विजिबिलिटी कम होने की वजह से आज लोगों को सुबह से ही खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। पंजाब के अलावा दिल्ली NCR, तमाम उत्तर भारत के जो शहर हैं, हर जगह इसी तरीके से ये कोहरे की घनी मार देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने। और बड़ी खबर इस वक्त की है कि कोल्ड अटैक से पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है वो इस वक्त जूझ रहा है। दिल्ली सहित NCR और पूरे उत्तर भारत में कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है। ठंड का सितम झेल रहे दिल्ली वाले और उत्तर भारत के लोग बेहाल हैं। आपको हम सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं कि आज विजिबिलिटी काफी कम है और घना कोहरा किस तरह से सड़कों पर छाया हुआ है। सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बजे, और आप देखिए कि घने कोहरे की वजह से अभी भी अंधेरा है सड़कों पर। लोग अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जला रहे हैं। अमूमन इतने बजे रोशनी बहुत तेज हो जाती है, लेकिन आज देखिए घना कोहरा इतना ज्यादा है कि पूरे सड़कों पे आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। सड़क के दोनों ओर की तस्वीर देखिए आपको कि गाड़ियां जो आ रही हैं वो हेडलाइट जला के आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी आज बहुत कम है, सामान्य से बहुत कम विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग देखिए किस तरह से यहां से गुजर रहे हैं। और ठंड इतनी ज्यादा है कि मिनिमम जो तापमान है वो आज 5 डिग्री के नीचे ही दर्ज किया जाएगा और वही अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाले 10 जनवरी तक इसी तरह से घना कोहरा, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उसके बाद थोड़ी तापमान में वृद्धि के साथ तापमान जो मौसम है वो थोड़ा सा सही होगा, लेकिन फिलहाल अभी राजधानी दिल्ली में कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। वहीं प्रदूषण का स्तर भी अगर आपको बता दें कि आप देखिए फॉग तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके साथ स्मॉग की भी कंडीशन है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें प्रदूषण के लेवल की तो आज AQI 345 दर्ज किया गया है। आप मौसम की मार झेल रहे हैं लोग, साथ ही प्रदूषण की भी मार झेल रहे हैं।